हो गया आप चार। पता नहीं क्यों हंस रही, कल इसने बॉडी की वीडियो बनाई होगी ना तो इसलिए हंस रही है। यहाँ पे अभी हम दथली पे आएंगे। ये हमारी बॉडी जी, ये मेरी माँ जी है, ये ऐसा ये काम और एक कटा और है। मतलब जून के महीने में भी ना यहाँ पे पानी रहता ही है, जंगली जानवरों के लिए पानी पीने के लिए काफी अच्छा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और तो आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी सवेरे सवेरे हो रही है, अभी सवेरे के सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं 7:15 हो गए होंगे, तो 7 बजे करीब मैं उठी और उसके बाद मेरा रोज का काम मतलब झाड़ू वगैरह मारना, तो अभी मैं साई की साइड आ रखी थी झाड़ू मारने के लिए। तो अभी यहाँ पे ना नानी आई हुई है और ये रही हमारी डोलू। डोलू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सुरभि गुड मॉर्निंग। और ये हमारा छोटा कालू, कालू गुड मॉर्निंग बोलो। गुजल गुजल गुजल। तो अभी मैं यहाँ साई की साइड आ रखी थी, तो अभी यहाँ पे ना नानी भी आ रखी है। तो आज नानी की छुट्टी है क्योंकि आज बहुत तेज बारिश बता रखा है, तो इस चक्कर में आज स्कूल वालों की छुट्टी है 12वीं तक। और ऐसे लग रहा है कि दिन में धूप लगेगी क्योंकि जिस दिन ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा बारिश आएगी उस दिन ज़्यादा बारिश नहीं आती है, मतलब थोड़ा बहुत धूप तो लगती है। बाकी यहाँ देखो, यहाँ पे हल्का सा नीला आसमान दिख रहा है, मतलब मौसम तो उतना थोड़ा बहुत तो बना ही है बारिश वाला, लेकिन देखते हैं दिन तक क्या होता है। तो अभी हम यहाँ पे झाड़ू वगैरह मार रहे थे और नानी आज ना गोबर निकालने के लिए आ रखी थी क्योंकि मम्मी ने इकट्ठा किया होता है हमेशा, और हाँ वो कभी कभार नहीं किया होता है लेकिन मम्मी ने हमेशा इकट्ठा किया होता है, तो आना है और उसको इधर मोईखनी में ढालना है, मतलब यही काम है। तो मैं हमेशा आती हूँ यहाँ की साइड झाड़ू मारने के लिए, तो आज मेरे से पहले यहाँ नानी आ रखी थी। तभी नानी यहाँ अंदर पानी साफ कर रही है। हाय नानी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज देखो नानी, नानी की छुट्टी है तो आज नानी पे आफत आ गई ना नानी। हाँ सुबह के 9 बज चुका है और अभी हम पहुंच गए अपनी साई पे ऊपर, और काफी ज्यादा उमस भी हो रही है, धूप भी लग रही है किसी टाइम, लेकिन काफी ज्यादा उमस हो रही है। बाकी अभी तो थोड़ा सही है मौसम, मतलब धूप भी नहीं है। तो अभी हम बैठे हुए हैं अपने खोवे में और यहाँ पे कामों ने लकड़ियाँ डाल रखी है सुखाने के लिए, थोड़ा धूप लगेगी तो थोड़ा सूख जाएगी। बाकी यहाँ पे भी डाल रखी है और कुछ डाल रखी है उधर उधर खरक की साइड पे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम अपने साए पे पहुंच रहे हैं, बाकी आज हम सभी ऊपर ही आ रखे हैं, मम्मी भी आ रही है अभी। ये पता नहीं क्यों हंस रही, कल इसने बॉडी की वीडियो बनाई होगी ना तो इसलिए हंस रही है। तो ना अभी वहां देखो ऊपर की साइड कैसे बादल लग गए हैं, और अभी तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर चलते हैं उधर घर की तरफ। तो आज भी हम जा रहे हैं जंगल क्योंकि परसों तो संडे था तो उस दिन भी गए थे, बाकी आज भी छुट्टी है और क्योंकि आज घर पे नानी है तो इसलिए आज हम सभी ऊपर आ रखे हैं। और कॉलोनी जा रखी है आज, यही जहाँ मैं जा रखी थी घास के लिए वहीं जा रखी है, और आज हम जा रहे हैं खेत, मतलब मैं सॉरी जंगल जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ आज, बाकी मम्मी तो चले गई है और पीछे से काम होगी, आयशा होगी और बॉडी, मतलब जितने हम उस दिन थे ना उतने ही हैं आज भी, और आज सिर्फ सलोनी नहीं है बाकी हम सभी, मतलब सलोनी की जगह पे आज कामू है। तो अभी थोड़ा मौसम सही और है, मतलब बारिश नहीं है और धूप भी नहीं है तो काफ़ी अच्छा और है, चढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा है, बाकी उमस तो हो ही रही है। और यहाँ रास्ते भर में ना पानी ही पानी हो रखा है क्योंकि आजकल बरसात के टाइम पर बहुत ज़्यादा पानी आता है। और यहाँ पे हो गया हमारे अमदार का मंदिर यहाँ पे। तो अभी हमें जंगल में चलते चलते हमें मिल गई है जंगल वाली काली हिसोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है और जो मतलब घरों में मतलब खेतों में होती है ना उससे भी काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है। तो ये वाली ना काली हिसोल है जो कि काफ़ी ज़्यादा मीठी हो रही है, मैं कम दे रहे
ये सब कम तिनिया एक और तो ये देखो लो खा लो तुम भी। और उमस ना काफी ज्यादा हो रही है इसलिए मैंने ये परांदा ना ऐसे बांधा हुआ है। सो अभी पहुंचते हैं अभी उधर जहाँ पे हम दराती पे आएंगे वहां पे पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं आपको वहीं पे पहुंच के। आज हम आ रखे हैं एक बहुत प्यारी सी लोकेशन पे घास के लिए और अपने जंगल से काफी इधर की साइड आ रखे हैं। यहाँ देवलधार वाले ही आते हैं घास के लिए तो आज हम इधर ही की साइड आ रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे गैंग वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे अभी हम दतली पे आएंगे। ये हमारी बॉडी जी, ये मेरी माँ जी है, ये ऐसा ही काम और एक बॉडी उधर जा रखी है। तो अभी इधर की साइड ना सामने से सारे बादल लगे हुए हैं और जब बादल हट जाएंगे तो काफी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से, मतलब मंडल की साइड भी दिखता है यहाँ नीचे। अभी तो वो खैर बादल लगे हुए हैं, बाद में मौसम थोड़ा साफ हो जाएगा तो तब बताऊंगी। बाकी अभी हम यहाँ पे दराती पे आ रहे निकालना शुरू करने बैठ गया है क्योंकि आज यहाँ पे ना हमको घास भी नहीं मिलने वाला, बहुत ज्यादा छोटा हो रखा है और ऐसी जगह पे आ रखे है जहाँ पे चारों तरफ ऐसे मतलब ऐसे भुड़ियाड़ बोलेंगे मतलब झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं और घास देखो इतना छोटा सा हो रखा, मतलब ये चरने के लिए हो रखा है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे ऊपर की साइड क्योंकि यहाँ तो घास उतना नहीं हो रखा है, बाकी मम्मी और तो ऊपर की साइड है और कुछ यहाँ नीचे की साइड आ रखे हैं। तो अभी मुश्किल ही लग रहा है कि आज यहाँ घास होगा, तो अभी फिलहाल देखते हैं कि घास होता है नहीं होता है, तो फिर मैं आपको सीधे थोड़ी देर में। दूसरी जगह पे आ गए हैं क्योंकि हम अभी तक उधर की साइड जा रखे थे और वहाँ ना घास बिल्कुल भी नहीं था, मतलब चरने के लिए तो काफी अच्छा हो रखा है और मतलब घास निकालने के लिए काफी ज्यादा छोटा हो रखा है। तो अभी हम इधर की साइड आ गए और यहाँ पे ना एक तालाब भी है जिसमें कि पानी बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो रखा है, मतलब जून के महीने में भी ना यहाँ पे पानी रहता ही है, जंगली जानवरों के लिए पानी पीने के लिए काफी अच्छा है। बाकी यहीं पे इधर की साइड ना मिट्टी के लिए भी आते हैं। तो पिछले साल मैं मम्मी कामू हम और नानी हम तीन चार आ रखे थे यहाँ मिट्टी लेने के लिए और उस टाइम तो काफी अच्छा भी था, मतलब जून के महीने में आए होंगे हैं ब्लॉग जिसने देखा वो उसमें देखा। हाँ पिछले साल आए थे हम मिट्टी लेने के लिए यहाँ और उस टाइम तो काफी अच्छा था, मतलब धूप भी थी तो मतलब हम आए थे जून के महीने में आए होंगे उस टाइम, जून महीने में आए थे क्या? हाँ जून जुलाई ऐसे ही कुछ आए थे। बाकी यहाँ पे अभी कामों घास निकाल रहे हैं और घास देखो इतना छोटा सा हो रखा है। तो अभी हम ना थोड़ा बहुत यहाँ पे घास निकालेंगे और उसके बाद ना जहाँ से हम इधर को आए थे वहाँ चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो घास बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे देखेंगे पतेड़ू होता है तो उसी को लेके जाएंगे। बाकी अभी देखते हैं कि कैसे क्या होता है। बाकी घास देखो इतना छोटा सा घास, ऐसे करके फिर बांधेंगे इसको। बज चुका है और अभी तक हम ऊपर ही हैं, मतलब अभी 2 बजे हम यहाँ साई पे पहुंचे और अभी टाइम 2:30 बज चुका है। तो अब घर जाने की तैयारी है क्योंकि घास भी लगा दिया है मम्मी ने जो घर ले जाना है और जो यहाँ रखना है वो यहीं रखेंगे और घर के लिए भी लगा दिया है मम्मी ने। तो अभी हम ना इधर की साइड आए हुए हैं और हमें इतनी जोर से मतलब प्यास लगी थी ना उधर, मतलब उधर की साइड है सिर्फ एक ही जगह पे पानी मिलता है, मतलब आजकल भी बहुत कम ही आता है उधर की साइड पानी बरसात के टाइम पे। और हम तो जल्दीबाजी के चक्कर में मैं मम्मी और काम हम तो थोड़ा पहले आ गए थे, बाकी बॉडी और तो अब आ रहे हैं शायद आ गए हैं। तो अब हमारे घर जाने की तैयारी है और फोन पे भी ना 5-10% बैटरी है, शायद 10 होगी तो शायद हाँ 7 या 8 होगी। तो अभी घर को चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे घर पहुंच के। ऐसा कभी के लिए ऐसा
दोस्तों अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम ऊपर साई से भी काफी ज्यादा लेट आए। मतलब जैसे ही घर आने को हुए वैसे ही इतनी तेज बारिश आई ना, घर भीगते भीगते ही आए हम। मम्मी के पास तो छाता था लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मतलब भीग के ही आए। वैसे भी घर आके नहाना ही था, तो अभी टाइम 6:30 हो चुका है। मम्मी चले गई है साई, सलोनी भी जा रखी है, बाकी कामों तो ऊपर साई है। बॉडी के साथ रुकी हुई थी और आयशा भी जो हमारे साथ आ रखी थी ना, वो भी आज बॉडी के साथ ही है। तो अभी नानी जला रही है आग, तो अभी थोड़ी देर में पापा भी आ जाएंगे क्योंकि पापा को ना नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए होता है, तो गर्म पानी रखेंगे अभी। और सब्जी रखने के लिए आजकल ऐसे हो रहा है ना कि कौन सी सब्जी बनाए कौन सी सब्जी बनाए, बाकी अभी कामों भी पहुंच गया है। तो आजकल ना सारी सब्जियां, मतलब कुछ भी सब्जियां नहीं हो रखी है, सारी सब्जियां एक ही साथ होंगी। मतलब आलू सो क्या बोलते हैं उसको, कद्दू लौकी करेले, मतलब सारी सब्जियां एक ही टाइम पे होंगी और वो भी बहुत सारी होंगी। लेकिन आजकल ना काफी दिक्कत हो रही है कि कौन सी सब्जी बनाए, तो फिलहाल अभी सोचते हैं कि कौन सी भुज्जी बनाएंगे हम। बाकी यहाँ पे हमारा गुन्नू है, तो आज नानी ने ना गुन्नू को नहलाया होगा, तो आज नानी का काम यही था। तो अब चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि आज कौन सी भुज्जी बनाएंगे। हेलो हेलो।